हे दोस्तों, मैं रणबीर वापस से एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का लाइफ पेट्स के एक और नए एपिसोड में। सो गाइस दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि कोरोना ने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। हमारे देश को ही नहीं, सिर्फ इसने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री को भी घुटनों में आके रख दिया है। सो इस सिचुएशन में हम जैसे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम जैसे तकलीफें सह रहे हैं, हम जैसे घर पे लॉकडाउन है, हम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं, इस बीच में एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट्स का क्या होगा। दोस्तों हाल ही की बात करें तो अमेरिका के एक शेरनी, एक जू के अंदर एक शेरनी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है विथ इंक्लूडिंग 3 मोर सस्पेक्ट्स। वो 3 मोर टाइगर्स पे भी ऐसे सिम्टम्स है, हालांकि उनके टेस्ट अभी तक नेगेटिव ही आई है, बट गॉड नोज। सो गाइस इस बीच में हलचल मच गई है कि जानवरों का क्या कोरोना वायरस इफेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर चीन की एक न्यूज़ की वेबसाइट की माने तो चीन में 2 डॉग्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दोस्तों अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठी है मुझे नहीं पता, क्योंकि फिलहाल तक किसी भी रिसर्चर या फिर WHO या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबली ये बात डिक्लेयर नहीं की गई है कि डॉग्स को इन्फेक्शन हो सकती है या डॉग्स हमको संक्रमित कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, इतना बोला गया है कि कैट्स के लिए थोड़ा हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कैट्स टाइप के चीज़ें जो है, कैट उसके बाद टाइगर, उनको कोरोना वायरस हो सकता है। सो गाइस इस बीच में एक क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्या करें प्रिकॉशन के लिए ताकि हमारे डॉग्स या फिर अदर पेट्स को ये सब बीमारी ना हो। सो गाइस पहला तो हमको करना होगा कि हम जैसे क्वारंटाइन है अभी घर पे, हम जैसे लॉकडाउन करके रखे हैं अपने आप को, आप अगर हो सके तो अपने पेट्स को भी एक रूम में लॉकडाउन कर दीजिए। अगर ना हो पाए तो उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करें। आप उनको पकड़ने के बाद या फिर उनको छोड़ने के बाद आप अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करें। उनको छूने से पहले और छूने के बाद भी आप अपने हाथों को प्रॉपरली वॉश करें, ये एक प्रिकॉशन के लिए। उसके अलावा आप उनके डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन रिस्ट और विटामिन सी रिस्ट फ्रूट्स अवेलेबल करवाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। उनको दिन में 15-20 मिनट्स तक उनको सन हीट में रखें ताकि उनके कोट में कोई वायरसेस या फिर बैक्टीरिया रहे तो वो हट जाए, और उसके अलावा उनके जो विटामिन डी का नीड है वो भी कंप्लीट हो जाए। उसके अलावा आपको उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाना होगा दिन में 2 टाइम या फिर 1 टाइम, और आपको जब उनको बाहर से घर के अंदर घुसाएंगे तो उनको लिक्विफाइड एंटीसेप्टिक से प्रॉपरली उनके कोट को रब करें जेंटली, और उसके बाद फ्रेश वाटर से रब करें ताकि उनके बॉडी में कोई भी हार्मफुल चीज़ ना रहे। उसके अलावा आपको ये भी मेंटेन करना, याद रखना होगा कि आपके आसपास के कोई भी वेटनरी डॉक्टर हो उनसे आप कंसल्ट में रहे और उनसे आप फ़ोन नंबर रखें ताकि कोई से भी कोई माइनर भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे डिस्कस करके उसका सलूशन कर पाए। इस दौर पे दोस्तों हम सभी को मिलके हमारे बेजुबान प्यारे फैमिली मेम्बर्स को किसी भी हद से बचाना होगा। जैसे कि हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, उनको भी प्रिकॉशन देना होगा, क्योंकि बेचारे उनके पास कोई नहीं है। बहुत सारी कंट्री में लोग अपने पेट्स को एबोंडेट कर रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। हम इंडियंस जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत से स्ट्रीट डॉग्स है, और अगर हम इनको भी छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा। सो गाइज हो सके तो उन स्ट्रीट डॉग्स का भी आप हेल्प करें और इन डॉग्स का भी प्रॉपरली मेंटेन और केयर करें। सो गाइज अगर आपको डॉग्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज हो रही हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर से मुझको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके डॉग्स को कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सिर्फ आप थोड़ी सी स्टेप्स फॉलो करें और थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू सो मच।